दिन में दो तीन ट्रेड चार ट्रेड लो सब प्रॉफिटेबल हंड्रेड परसेंट प्रॉफिटेबल अभी तीन चार दिन का चार्ट लाइव करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कोई हवाबाजी नहीं यही है भैया यही है ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने का सीक्रेट यही है सही एंट्री पॉइंट चूज करना और सही एग्जिट पॉइंट चूज करना जिसने सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट लेना सीख लिया वो पैसा कमाएगा बाकी तो पैसा गवाने का रिकॉर्ड तो ऑप्शन ट्रेडिंग में है ही डेटा भी ये कहता है नाइन्टी परसेंट लोग तो पैसा गवाते ही हैं टेन परसेंट लोग ही पैसा कमाते हैं है ना अच्छा क्यों ऐसा होता है क्योंकि उनके पास नॉलेज प्रैक्टिस इमोशन कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से लोग पैसा गवाते हैं बट टेन परसेंट लोग जो इनमें माहिर होते हैं वो पैसा कमाते हैं और बेसिक्स की समझ होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग के जरिए बताने वाला हूँ और दो तीन चीज़ें बस यूज़ करूंगा बस बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट में यूज़ नहीं करने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर हफ्ते भर भी अगर हुए हैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हुए सीखे हुए या सीख रहे हो तो भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी जो स्ट्रैटेजी आज मैं बताने वाला हूँ सर तीन कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा सपोर्ट रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट बस इसी पर लाइव मार्केट में लाइव चार्ट यूज करके मैं आपको दिखाने वाला हूं घबराना मत सर बिल्कुल समझ में आएगा ये मेरी हमारे सेशन की स्पेशलिटी क्या है हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आपको ईजी करके सिखा देते हैं आप ही तो कमेंट्स में कहते हो ना तो कैंडल स्टिक के चाहे वीडियोज़ हो या फिर ऑप्शन चैनलिसिस के हो या बेसिक्स के हो आप ही ने कमेंट्स में इतने हज़ारों कमेंट्स में लिख लिख रखे हैं आज तक जो चीज़ कहीं नहीं समझ आया हमारे सेशन के जरिए आपको समझ में आया तो थो चलो थोड़ी बहुत तारीफ में अपने ही मुझे किया जा रहा हूं कर देते हैं सच्चाई है ना और अगर आप नए हो तो वो उन वीडियो के कमेंट्स में जाकर के आप देख सकते हो आपको ही पता चल जाएगा खैर तो मुद्दे की बात पे आए कैसे किया जाए सर सही एंट्री पॉइंट और सही एग्जिट पॉइंट और स्कैल्पिंग के जरिए स्कैल्पिंग पता नहीं क्या होता है देखो मेरे हिसाब से लोग तो वैसे ट्रेडिंग ट्रेडि के कई सारे टाइप निकाल देते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्कैल्प ट्रेडिंग ये ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग फलना ट्रेडिंग चिल्ला ट्रेडिंग फालतू की बातें सर दो ही टाइप की ट्रेडिंग होती है मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब स्कैल्पिंग कहने का मतलब होता है आप जब एंट्री लेते हो कुछ सेकंड से कुछ मिनट में एग्जिट हो जाते हो उसको स्कैल्पिंग कहते हैं पोजिशनल ट्रेडर क्या होते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है जब एंट्री लिया उसके दो तीन घंटे तक या दो तीन दिन तक या और ज्यादा दिन तक आप वेट करते हो एग्जिट uh, करने के लिए तो उसको पोजिशनल ट्रेडर कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके कर कार के घुसते हैं और बहुत सारी चीज़ें देख दाख करके वो एग्ज़िट करते हैं खैर वो आप तब करना जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओ अच्छा खासा स्कैल्पिंग कर करके जो नए लोग हैं उनको तो मैं यही कहता हूँ करनी भी चाहिए सर आपको स्कैल्पिंग करके ही शुरुआत में प्रैक्टिस करो क्योंकि पोजीशन बनाने के लिए ना वो भी लंबे ड्यूरेशन का पोजीशन बनाने के लिए तजुर्बा चाहिए नॉलेज काम नहीं करेगा सर नॉलेज और स्किल में फर्क होता है आदमी नॉलेज के पीछे भाग भाग के थक गया है ये भी वीडियो देख लिया वो भी वीडियो देख लिया ये भी कोर्स ले लिया वो भी कोर्स ले लिया सर नॉलेज ही लिए जा रहा है हर जगह स्किल चाहिए स्किल और नॉलेज में क्या फर्क होता है सर फर्क ये होता है कि जब आप गाड़ी चलाना शुरू करना चाहते हो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद क्या गाड़ी चला पाओगे आप नहीं चला पाओगे आपने नॉलेज ले लिया गाड़ी चलाने का स्किल में कब तब्दील होगा वो जब बार बार रोज 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 रोज, 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 रोज आप चलाते हो हो तब जाके एक दिन वो स्किल में तब्दील जाता है यानी कि नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन का कंसिस्टेंट प्रैक्टिस फिर से बोलता हूं नॉलेज जहां से लिया उसके इंप्लीमेंटेशन का कंसिस्टेंट प्रैक्टिस तीन वर्ड शामिल है यहां पर इंप्लीमेंटेशन का कंसिस्टेंट यानी लगातार प्रैक्टिस होते होते एक दिन वो स्किल में तब्दील हो जाता है ठीक है जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं उनमें स्किल होता है सर तब तो पोजिशनल ट्रेडर करना अदरवाइज स्कैल्पिंग से थोड़ा बहुत प्रॉफिट प्रॉफिट निकालते निकालते बढ़िया है बट बढ़ हाँ आज स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूँ मैं डिस्क्लेमर पहले देता हूँ सर दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कितना भी कितना एक्सपर्ट ट्रेडर हो उसका कोई भी स्ट्रेटजी 100% परसेंट काम कर जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता तो हम जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं वो भी 100% परसेंट काम कभी नहीं करेगा लेकिन हाँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने तजुर्बे से मैंने जितनी बार देखा है सर दस में से सात बार या आठ बार या कई बार छः बार ये काम करता है ठीक है और अगर दस में से छह बार भी कर रहा है तो ये बढ़िया हाँ रेशियो है सर अच्छा रेशियो है और सबसे बड़ी बात है बेसिक है ना सर आपको कोई ज्यादा एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आता है तो आप ये समझ जाओगे बस उतना ही चाहिए मल्टीपल डबल वो सब भी नहीं चाहिए चार्ट रीडिंग का एक्सपर्टीज इंडिकेटर फिंडिकेटर वो सब कुछ नहीं चाहिए बेसिक्स आओ समझाओ आप मुद्दे पर मैं आ गया इधर मैं किधर आया मैं सर आ गया अरे इधर रहूँ किधर रहूँ चलो ये कन्फ्यूजन होता है ये बोर्ड पर खैर तो हमने यहां पर चार्ट खोल लिया सर कहां खोल लिया जरा देख लेना शून्य डॉट फिनवेशिया डॉट कॉम पर क्यों मैंने शून्य पर ही मैं काम कर रहा हूं आगे बताऊंगा आपको बड़ी अच्छी चीज है बड़े फायदेमंद चीज है बहुत फायदा होगा इससे कैसे बताऊंगा अभी खैर तो हमने देखो सर बैंक निफ्टी का यहां पर चार्ट खोल रखा है और चार्ट इधर से कर लेता हूं मैं

उसकी प्रामाणिकता वो सही है या गलत है वो लाइव मार्केट में ट्रेड करने के बाद ही समझ में आता है सर बाकी तो सब चीजें हवा है कोई भी कुछ भी लाइन खींच देगा ठीक है तो हम कोई भी कुछ भी लाइन नहीं खींचने वाले लाइव चल रहा है और लाइव में भी वो चीज करके देखेंगे सबसे बड़ी बात बट थोड़ा पीछे का देख लेते हैं तो सर ये आपको समझ में आता ना ये चार्ट बेसिक है और ये शून्य पर बेसिकली ट्रेडिंग व्यू से इसका इंटीग्रेशन है तो ट्रेडिंग व्यू में जो आप देखते हो यहां पर आपको फ्री में वो चीज मिल जाता है अच्छी बात ये है ट्रेडिंग व्यू का ही, कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रेडिंग व्यू ही प्लेटफॉर्म है जो चार्ट कम, चार्ट एनालिसिस के लिए यूज होता है इंडिकेटर्स विंडिकेटर्स बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाता है ठीक है तो मैं कहां पर आता हूँ सर आज पच्चीस तारीख है मैं चौबीस पर आता हूं सबसे पहले अच्छा मंडे है तो चौबीस आज आज मतलब पच्चीस तारीख मंडे है तो चौबीस तो नहीं मिलेगा तो हम आ जाते हैं सर बाईस पर हाँ, 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 सर ये देखो बाईस यहाँ से बाईस शुरू हो गया सबसे पहले एक दिन का घेरा बना लो सर हमारे को एक दिन में वो चीज़ पढ़नी है समझनी है तो एक दिन का घेरा बनाने के लिए सर यहाँ देखो यहाँ पे कई सारे लाइंस आपको मिल जाते हैं इस पर क्लिक करना अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर लेना जूम कर लेना लिटा करके अगर फोन में देख रहे हो तो फोन को लिटा करके उस पर थोड़ा दो उंगली लगा करके जूम करके ये आपको दिखने लग जाएगा बड़े आराम से ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेते हैं सर कुछ अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन लेने से पहले हम वर्टिकल लाइन ले, ले लेते हैं देखो वर्टिकल लाइन मैंने यहां पर चूज कर लिया तो वर्टिकल लाइन कहा है बाईस तारीख देखो सर ये शुरू हो रहा है मैं वर्टिकल लाइन यहां पर रख देता हूं कहा गया अरे आ, आ जाओ भैया हा, हाँ यहां पे आ गया सॉरी बेसिकली यहाँ पर चार्ट एनालिसिस करने का तजुर्बा नहीं होता ना इसका टच बहुत कुछ डिफरेंस होता है लैपटॉप या मोबाइल में से तो हमने लगा लिया सर नौ पंद्रह देख रहे हो यहाँ पर नौ पंद्रह भी लिख के आ रहा है बाईस सितंबर और एक हमने यहाँ पे लाइन ले लिया दूसरा लाइन दोबारा हम जब क्लिक करेंगे तो हम जहाँ दिन ख़त्म हो रहा है बाईस तारीख को सर बाईस तारीख को दिन यहाँ ख़त्म हुआ है मैं आ जाता हूँ इसको लेकर के यहाँ पर ठीक है अच्छा पच्चीस का नौ पंद्रह हो गया सर ये हो गया हमारा एक दिन ठीक है अब इसको हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं बहुत बेसिक चीज चीज़ है सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता ही होगा नहीं पता हो तो चलो अभी ये बता देता हूँ आपको सर अब हम हॉरिजेंटल लाइन जरा ले लेते हैं यहाँ पर हॉरिजोनटल सॉरी रे लग गया रे नहीं हमें लाइन लेना है तो हॉरिजोटल लाइन हम कहाँ कहाँ लगाएंगे सर सपोर्ट रेसिस्टेंस सर पहले दिन का सर मेरी ना हर चीज़ के डेफिनेशन अलग है मैं किताबी चीज़ें फॉलो नहीं करता मैं तो वो चीज़ें फॉलो करता हूँ जो प्रैक्टिकल है तो मैं अगर हॉयजेंटल लाइन भी बनाता हूँ तो सपोर्ट भी बनाता हूँ रेजिस्टेंस मेरी डेफिनेशन अलग है सर मिलती जुलती हो सकती है लेकिन बहुत सारी चीज़ों आप पाओगे यार ये आदमी तो अलग ही सिखा रहा है कुछ अलग ही सिखा रहा है और वो प्रैक्टिकल है भैया ठीक है आओ तो मेरा सबसे पहला हमको रेसिस्टेंस या सपोर्ट पॉइंट ढूंढना है तो हमें देखेंगे यहाँ से जब मार्केट शुरू हुआ था तो ग्रीन में ऊपर की तरफ जाते हुए और ये वो पॉइंट है सर जहाँ से मार्केट 22 तारीख को लौटा था तो मैं सर ये देख रहे हो ये वो पॉइंट है यहां पर जूम करके देख लेना अगर नहीं दिख रहा होगा तो तो यहां पर मैंने मान लिया और इसका कलर मैं दे देता हूं रेड में दे, दे देता हूं ठीक है रेड मैंने कलर ले लिया ऐसे ही मैं पहला ये हम कब कर रहे होंगे सर ये हम कर रहे होंगे जब दिन शुरू हो रहा है सर दिन शुरू होने के आपको एक डेढ़ घंटा लगेगा सही सपोर्ट और सही रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने में उसके बाद आप सही एंट्री पॉइंट ढूंढ पाओगे ठीक है एक और ले लेते हैं हम ये लाइन आ गया इस लाइन को हम रेड कर देते हैं थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा इसलिए अब रेड करके हम ले आते हैं इसको यहाँ पर देखो सर कहाँ पे पहली बार नीचे से लौटा है ये हम देख रहे हैं सर पहली बार प्राइस ऊपर टकरा के कब नीचे आया है और पहली बार कब नीचे से प्राइस टकरा के ऊपर गया है तो पहली बार उस दिन का मेरे को यहाँ पे दिखा और पहली बार उस दिन का बॉटम मेरे को ये दिखा ठीक है इतना तो समझ में आता ना सपोर्ट रसिस्टेंस सपोर्ट रसिस्टेंस में नॉर्मली क्या होता है कि जब नीचे का पॉइंट होता है जैसे पहले भी बता चुका हूँ मैं फर्श होता है ना फर्श पर जब आप बॉल पटकोगे तो क्या होगा रिटर्न होकर के ऊपर आएगा उसी तरीके से छत पर मतलब इस कमरे के छत पर अगर मैं बॉल मारूं तो टकरा करके नीचे आएगा यही सपोर्ट रेसिस्टेंस पे भी होता है सर टकराने के बाद नीचे टकराएगा तो वो थोड़ा ऊपर जरूर आएगा ऊपर टकराएगा तो वो नीचे घूम करके जरूर आएगा लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कई बार क्या होगा नीचे टकराएगा उसको तोड़ करके नीचे चला जाएगा ऊपर टकराएगा उसको तोड़ करके ऊपर निकल जाएगा उसी को कहते हैं ब्रेकआउट हमने बोला ना तीन कॉन्सेप्ट हम समझेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट बस और बेसिक कैंडल अंडरस्टैंडिंग उत्तई सर जब हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख करके एंट्री लेने जाएंगे रूल लिख लो चाहो तुम सर पहला रूल ये है सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर कि जहां से भी सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है या रेसिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है आपको सर वहां पर दो कैंडल कंफर्मेशन देखना है कि रिवर्स हो भी रहा है कि नहीं अगर रिवर्स हो रहा है तो सेकेंड कैंडल पे आप एंट्री ले लो और थर्ड कैंडल पे एग्जिट हो जाओ मैं प्रैक्टिकल कोई हवाबाजी नहीं देखो सर पहला दिन हमारा ये, ये। अच्छा यहां तक तो मेरे को पता चला था यहां से जब लौटा तो मैं सपोर्ट निकाला यहां से जब लौटा तो मैं रेसिस्टेंस निकाला तो यहां पर तो हमने ट्रेड नहीं लिया यहां पे नहीं लिया यहां भी नहीं लिया सर यहां के आसपास में जब मैं देख रहा हूं रेजिस्टेंस पर दोबारा जा रहा है तो यहां पर मैं अपना एंट्री पॉइंट बनाऊंगा लेकिन बनाने के लिए मैं क्या देखूंगा अच्छा जरा ये देख लो कितने बज गए यहां पर अगर मैं हाँ तकरीबन ग्यारह बजे के आसपास सर यहां पर वापस गया है सपोर्ट के पास पास सर मैंने क्या देखा यहां पर यह ऊपर की तरफ प्राइस गया है सर टच किया है टच करके ऊपर चला गया है तो जब वो ऊपर चला गया तो मेरे को क्या लग रहा है ये ब्रेकआउट हुआ लेकिन इसकी कंफर्मेशन मेरे को कैसे मिलेगी कि सच में ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है सर मैं सेकंड कैंडल देखूंगा उसके बाद मैं एंट्री लूंगा ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट वाला रूल क्या है वो बताता हूं पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस का रूल सपोर्ट रेसिस्टेंस का रूल यह है कि सर सेकेंड कैंडल कन्फर्मेशन मेरे को चाहिए तो या तो सेकंड कैंडल के एंड में या थर्ड कैंडल में एंट्री लूंगा मैं थर्ड में मैं एग्जिट कर जाऊंगा एक ही कैंडल ज्यादा लालच नहीं सर स्कैल्पिंग कर रहे हो आप ज्यादा लालच करोगे पैसा गवा बैठोगे एक ही कैंडल में मेरे को वापस वापस हो जाना है सर मैंने क्या किया इधर ऊपर देखा मेरे को ब्रेकआउट लग रहा था लेकिन अगले ही कैंडल में नीचे का बन गया तो मतलब मेरे को समझ में आ रहा है ब्रेकआउट नहीं हुआ भैया ये सपोर्ट से जाकर के वापस लौट रहा है सर पहला कैंडल मेरे को बताया कि सॉरी रेसिस्ट, रेजिस्टेंस से नीचे लौट रहा है दूसरे कैंडल ने मेरे को कंफर्म कर दिया हा भैया लौटा है नीचे तो अब मैं तीसरे कैंडल में मार दूंगा सर एंट्री तीसरे कैंडल में जैसे मैं एंट्री मारूंगा सर तीसरे कैंडल को खत्म होते होते मैं मार जाऊंगा एग्जैक्ट वैसे चौथे में भी प्रॉफिटेबल है नीचे ही जा रहा है लेकिन उतना लालच नहीं ये हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा एक कैंडल खत्म होते होते ठीक ठाक आपका प्रॉफिट बन जाता है सर स्कैल्पिंग अगर दस हजार बारह हजार या पांच हजार सात हजार के कैपिटल से आप कर रहे हो तो ठीक ठाक प्रॉफिट आप आठ दस परसेंट एक ही दिन में निकाल करके जाओगे और एक दिन में आठ दस परसेंट निकालना बहुत बड़ी बात होती है सर बहुत बड़ी बात है अच्छे अच्छे ट्रेडर नहीं निकाल पाते ठीक है छोटे छोटे टाइम ड्रल पर तो सर यहां पे मेरी प्रॉफिट मेरे को समझ में आ रहा है हमने कर लिया ना अच्छा अगली बार देखो अब मैं क्या देख रहा हूं यहां ये कैंडल खत्म होते ही मैं एग्जिट मार चुका हूं सर रुकना नहीं है ज्यादा लालच नहीं चाहिए अपने को एग्जिट मार गया अब मेरा वेट क्या है अगली बार ये तो सपोर्ट पे कब जाएगा अगली बार ये रेजिस्टेंस पे कब जाएगा मैं देख रहा हूँ नीचे आ रहा है यहीं से घूम गया मैं देख रहा हूँ फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे जा रहा है फिर ऊपर क्रॉस कर गया मेरे को क्या लग रहा है ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर लेकिन सच में ब्रेकआउट हुआ क्या नहीं सच में ब्रेकआउट नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ी देर साइडवेज गया है अच्छा मैं देख रहा हूं इस कैंडल पर भी नहीं लूंगा इस कैंडल पर नहीं लूंगा इस कैंडल पर नहीं लूंगा कंफर्मेशन मेरे को नहीं मिल रहा ना इस कैंडल पर मैं देख रहा हूं ऊपर गया लेकिन अगले पर कंफ्यूज कर दिया मेरे को रेड हो गया अगले पर फिर देख रहा हूँ मैं डोजी बन गया मतलब डोजी का मतलब क्या दोनों पावरफुल बायर सेलर दोनों पावरफुल फिर मैं देख रहा हूं रेड बन गया अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली मेरे को ये अगले कैंडल पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ ज्यादा समझ में आएगा सर देखो यहां पर फाइनली मेरे को थोड़ा कंफर्मेशन मिलना शुरू हुआ जब इसने नीचे की तरफ गया तो मेरे को समझ में आया अरे ये ब्रेकआउट नहीं है ये लौट रहा है अच्छा जब ये कैंडल बना तो मेरे को कंफर्मेशन मिल गई हाँ भैया अब लौट रहा है रिवर्सल आइए है सर तीसरे में मैं एंट्री मार लूंगा और तीसरे में मैं एंट्री मारूंगा और तीसरा खत्म होते होते ही मैं निकल जाऊंगा छोटा प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट तो है अच्छा ये जब शून्य यूज कर रहे हो ना एक बड़ा कंसर्न यूज रहा है शून्य यूज़ कर रहे हो तो आपको फायदा सबसे बड़ा ये मिलता है सर यहां ब्रोकरेज नहीं लगता ब्रोकरेज लगता ही नहीं जीरो लगता है सर बाकी आप किसी दूसरे किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोगे सर एक बड़ा ब्रोकरेज जाता है चाहे आप हर ट्रेड में प्रॉफिट करो लॉस करो ब्रोकरेज तो लगेगा एक अच्छा खासा ब्रोकरेज तो आपका गया अच्छा कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जो कि आज के टाइम में ब्रोकरेज फ्री दे रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन चार्ज वो ले लेते हैं महीने का या साल का शून्य एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है एक लौता है कि नहीं लौता ये पता नहीं मुझे लेकिन शून्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपसे ब्रोकरेज ले ही नहीं रहा तो आप घुसो निकलो घुसो निकलो घुसो निकलो कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ सरकारी टैक्स जो जाता है वो जाता है वो बहुत बहुत ही नॉमिनल होता है मोटा चीज तो ब्रोकरेज कमीशन जाता है जो कि शून्य लेता ही नहीं आपसे ठीक तो मैं छोटे कैंडल पर भी यही निकल जाऊंगा हालांकि इस कैंडल पर भी अगर मैं रुकता यहां तक तो भी मैं प्रॉफिट में होता लेकिन मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए लालच रूल रूल बना बना दिया सर सर ट्रेडिंग में वही कामयाब है है जिसने एक रूल बना रखा है और रूल पर स्टिक है जो अपने ही बनाए रूल को तोड़ेगा वो भुगतेगा वो नुकसान में जाएगा लालच नहीं करना मेरा रूल है सर सिंगल कैंडल में घुसूंगा उस कैंडल के खत्म होते होते निकलूंगा तो मैं निकलूंगा इस कैंडल में निकल गया मैं प्रॉफिट में हूं कि नहीं सर दो बार दिखा दिया प्रॉफिट में हूं अभी तक सर आओ तीसरी बार आओ इसी दिन आगे बढ़ो सर इधर इधर मैं ट्रेड नहीं लूंगा मेरे को कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा ना सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आगे जा रहा जा रहा जा रहा मैं कुछ नहीं करूंगा सर कुछ नहीं करूंगा यहाँ डे एंड हो गया सर अच्छा यहाँ पे देखो एक बार नीचे टच हो रहा है सपोर्ट पर तो नीचे सपोर्ट पर टच हो रहा है तो ब्रेकआउट तो हुआ नहीं यहाँ पर वापस लौटने का सिग्नल मुझे इस वाले ने नहीं दिया लेकिन इस कैंडल ने दिया थोड़ा सा लेकिन ये सपोर्ट से थोड़ा ऊपर है तो बहुत अच्छा कंफर्मेशन मेरे को नहीं मिल रहा हालांकि ऊपर गया है लेकिन ऊपर तो बाद में गया ना बाद में थोड़ी मेरे को पहले दिख रहा है कि बाद में क्या होगा देखो आपको सिखाते सिखाते फोन आ जाता है एयरप्लेन में डाल दिया इसको तो बाद वाला कंटल मेरे को थोड़ी पहले पता है मैं तो अपने रूल पर स्टिक हूं भैया नीचे टच होकर ऊपर जाना चाहिए और ऊपर टच होकर के नीचे आना चाहिए ऐसा कुछ हुआ नहीं तो इधर मैं ट्रेड लूंगा नहीं लेता तो भी प्रॉफिटेबल होता लेकिन मैं लूंगा ही नहीं उधर दिन हो गया खदम तो आज के दिन 22 तारीख को सर दो ट्रेड और दोनों प्रॉफिटेबल मतलब हंड्रेड परसेंट मार्केट में भी आऊंगा लाइव लाइव आज कल लाइव मार्केट में हम करके देखेंगे ये काम करता है कि नहीं करता है ठीक आओ छोटा कर लेता है थोड़ा और इसको हम हटा देते हैं सर इधर क्लिक करोगे आप और कहा गया सॉरी वैसे तो लैपटॉप पर क्लियर ऑल का ऑप्शन आ जाता है लेकिन इधर आपको डिलीट करना होगा दोनों लाइन लो, हमने डिलीट कर दिया और इसको भी हम कर देते हैं डिलीट सर 22 तारीख हो गया हमारा कंप्लीट अच्छा इसको भी डिलीट कर दो और चलो अब। सर हम इक्कीस तारीख पर आए देखो सर इक्कीस तारीख यहां से शुरू हो रहा है वैसे ही कर देता हूं मैं इक्कीस तारीख यहां से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है यहां पर ख़त्म हो रहा है सर 21 तारीख में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है ज़्यादा उस रूल के अकॉर्डिंग लेकिन दूसरे रूल के अकॉर्डिंग है ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट वाला रूल हमें भी आएंगे बताता हूं लाइक में इसमें नहीं बताऊंगा इसमें अगर देखोगे तो दूसरा वाला रूल जो है सपोर्ट असिस्टेंस वाला यहाँ काम कर रहा है क्योंकि यहां वैसा मौका ही नहीं है ही नहीं बन रहा गलत हो रहा है ये नहीं कह रहा मैं वो रूल फेल हो रहा है, वाला, वो यहां पे रूल काम, है। और यहां भयंकर आपको दिखा, देगा वो अगर वाले रूल पर ट्रेडिंग करोगे तो क्या है चूंकि देखो ना पूरा डाउन मार्केट रहा है यहां पर गिरते 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 रहा है उस रूल के अकॉर्डिंग तो भयंकर प्रॉफिट है इसमें आओ आगे बढ़ते हैं तो हम 21 तारीख को

समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अरे मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है फिर मैं और उसी तरीके से और समझाता हूं ताकि हम दोनों को समझ में आए समझ समझ के समझ बढ़ाएंगे हम दोनों ठीक तो हम आ गए सर बीस तारीख को सर बीस तारीख को देखो दिन यहां शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है सर बीस तारीख ट्रेडिंग का मौका है ही नहीं पूरा देखो साइडवेज मार्केट गया है तो आप अच्छा ऐसा कई बार होगा आप पूरे पूरे दिन बैठ करके निकाल दोगे आपको ट्रेडिंग का मौका नहीं मिलेगा सर ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना ज़बरदस्ती ट्रेडिंग नहीं लेनी अपना जो रूल बनाया है अपना जो स्ट्रैटेजी बनाया है उस पर अड़िग रहना सर 90 परसेंट में नहीं तो चले जाओगे जो अपना पैसा गवाते हैं सर 10 परसेंट में रहने के लिए इमोशनल कंट्रोल चाहिए जिसने इसको कंट्रोल कर रखा है जिसने भावनाओं पे वश है वो जीतता है वो विजेता है हर जगह सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं दुनिया में हर जगह जिसने अपने मन को वश में रखा है जिसने अपनी भावनाओं को काबू में कर रखा है उसको दुनिया में आगे बढ़ने से दुनिया में कोई बाप नहीं रोक सकता तो इधर भी वही रूल है सर मौका नहीं मिल रहा अपने को साइड चल रहा है मैं नहीं घुसूंगा नहीं घुसूंगा तो नहीं घुसूंगा जब मौका मिलेगा तभी घुसूंगा ठीक आओ तो 20 तारीख अपने लिए मौका ही नहीं था ट्रेडिंग का मैं एंट्री नहीं लिया उस दिन अब हम आ जाते हैं उसके अलावा अट्ठारह तारीख सर अट्ठारह तारीख कहां शुरू हो रहा है ये अट्ठारह और इधर खत्म हो रहा है सर अट्ठारह को भी देखो कोई मौका नहीं है आपको ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट साइडवेज है ना भैया साइडवेज में ट्रेड करके क्या करोगे कन्फ्यूजन है सही आ, नहीं पकड़ाएगा कुछ भी अब देखो उसके पास पंद्रह वीकेंड होगा हाँ ये मौका सही है सर ट्रेडिंग करने के लिए देखो अच्छा आप कह सकते हो सर ये तो मार्केट खत्म होने के बाद हमको पता चल गया ये मौका सही है सर मैं तो बात कर रहा हूँ जब कैंडल बन रहा है उसी वक्त समझने की उसी वक्त समझने की बात कर रहा हूँ नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो अभी पाँच मिनट पहले हमने क्या बात करा बंद होने वाला हिसाब किताब नहीं और लाइव में भी बताऊंगा ना चल रहा है मार्केट खत्म नहीं हुआ है अभी ठीक है सर ये देखो बढ़िया मौका है मैं सबसे पहले इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले सपोर्ट और बना कहा बनाएंगे पहले हॉरिजॉन्टल ले लेते ले हैं ले सॉरी वर्टिकल ले लेते ले हैं ताकि मेरे को याद रहे दिन यहां से शुरू हुआ है सर ये लो सर नौ पंद्रह में यहां दिन शुरू हुआ एक और ले लेते हैं कहाँ खत्म हुआ ये लो तीन पच्चीस में यहाँ खत्म हुआ ये हमारा बॉर्डर लाइन है इतने में हमारे को देखना है सर पहला सपोर्ट रेसिस्टेंस बना लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं सर देखो मार्केट डाउन में शुरू हुआ है नेगेटिव में शुरू हुआ है तो मैं देख रहा हूँ पहले सपोर्ट मेरा बन जाएगा सर पहले सबसे ज़्यादा जो है नीचे गया है इस पॉइंट पर नीचे गया है सा अब हमारा सपोर्ट बन गया एक और लाइन बना लेते हैं का, पहला का। मैं देखा, यहां से लौट रहा है, मार्केट। तो पहला का मेरा बन रहा है सर ये यह देखो यहां से लौट रहा है मार्केट। तो मैं पहला अपना मैंने यहां पर बना लिया ये पॉइंट मेरा रेसिस्टेंस का है ठीक है अच्छा एक और रेसिस्टेंस चलो वो बाद में जैसे मार्केट बढ़ेगा तो हम देखते हैं सर समय शुरू हुआ मार्केट खुला

और रेसिस्टेंस पर जाते ही मेरे को क्या लग रहा है अब यहां से वापस आएगा नीचे रिवर्स होगा लेकिन मैंने क्या देखा अगला कैंडल ऊपर मार दिया वो भी इतना बड़ा मारा सर ब्रेकआउट हुआ वो भी तगड़ा वाला तो यहां पे देखो ये जो बन रहा है सर ब्रेकआउट का ये रूल बन रहा है यहां पर रिवर्स नहीं आया बाहर निकल के चीर फाड़ करके ऊपर चला गया तो चीर फाड़ करके जो ऊपर गया है इतना स्ट्रॉन्ग बना है तो मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है भैया अच्छा ब्रेकआउट हुआ है ले ले एंट्री अगले कैंडल में मैंने ले लिया एंट्री अब अगले कैंडल में मैंने कॉल की साइड ऊपर जाने वाली साइड मैंने एंट्री ले ली सर मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं हूँ बताओ ब्रेकआउट का रूल ये कहता है कि जिसने चीड़ फाड़ करके ऊपर गया है चाहे सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरफ अगर वो तगड़ा है सर सर एंट्री ले लो अगले कैंडल में अगर वो तगड़ा नहीं है अगर छोटा सा है तो वेट करो नेक्स्ट कैंडल के भी बनने का अगर ये इतना तगड़ा नहीं होता तो मैं नेक्स्ट के वेट करता बनने का जब मैं वेट करता और नेक्स्ट कैंडल अच्छा बनता तब मैं तीसरे में एंट्री लेता बट यहां पर मैंने देखा पहला ही तगड़ा बना है तो मैं नेक्स्ट में एंट्री ले लूंगा और मैं नेक्स्ट में एंट्री लेने के बाद प्रॉफिटेबल हूं कि नहीं हूं हूं कि नहीं हूं देखो प्रॉफिटेबल हूं सर मैं और मैंने क्या बोला है एक ही कैंडल में एग्जिट भी कर जाना है सर अगर दूसरे कैंडल तक वेट करते तो आपको लॉस हो सकता है मेरा तो सिंपल रूल है भैया चाहे सपोर्ट पर घुसना है या ब्रेकआउट में घुसना है एक कैंडल खत्म होते एग्जिट दिन में दो तीन ट्रेड चार ट्रेड लो सब प्रॉफिटेबल हंड्रेड परसेंट प्रॉफिटेबल है ना मजेदार हालांकि अगेन फिर से बोल देता हूँ ये हमेशा काम करेगा ऐसा नहीं होगा सर लेकिन दस में से सात बार आठ बार ये आपको काम करते हुए देखेगा अभी लाइव दिखा रहा हूँ ना मैं आपको जितना भी दिखा रहा हूं वहां तो हंड्रेड परसेंट काम कर रहा है लेकिन अगर आप बीस दिन का चार्ट देखोगे तो हर जगह रूल अप्लाइड नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम होगा तो बहुत बढ़िया बात है ठीक है तो मैं निकल गया यहाँ तो फिर मैंने देखा रेड बन गया तो कंफ्यूजन अब मेरे मेरी खोज कहां है मेरी तलाश क्या है या तो ये नीचे जाकर के टच होकर के ऊपर लौटे या फिर ऊपर ऊपर जाकर के नया रेसिस्टेंस बना है ये मैं देख रहा हूँ अगली बार साइडवेज चलने लग गया ये तो मेरे को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा यहां मैं देख रहा हूँ सर ब्रेकआउट हुआ कि नीचे आया अच्छा ये ब्रेकआउट सही है या फर्जी फर्जी ब्रेकआउट है फर्जी ब्रेकआउट मतलब नीचे जाकर के फिर लौट गया तो फर्जी ब्रेकआउट था लेकिन मैं देख रहा हूँ नीचे आया है और ग्रीन बना है तो कन्फ्यूज हूँ मैं ये असली ब्रेकआउट है नकली ब्रेकआउट है ठीक है ये ब्रेकआउट तो हुआ है सर लेकिन हालांकि तगड़ा ही ब्रेकआउट हुआ है लेकिन तगड़ा ब्रेकआउट होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि आधा ऊपर है आधा नीचे है इस वाले में तगड़ा ब्रेकआउट था कि सारा ऊपर ही था इसमें सारा नीचे नहीं है अगर सारा नीचे होता मैं तगड़ा ब्रेकआउट मानता हूँ और अगले में मैं एंट्री ले लेता अगले में एंट्री लेता तो मैं प्रॉफिटबल था सर था सर नीचे गया ये तो मैं कंफ्यूज हूं यहां पर नहीं लूंगा सर याद रखना ये तगड़ा ब्रेकआउट देखना अगर तगड़ा ब्रेकआउट है चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगले में एंट्री ले लो अगर तगड़ा ब्रेकआउट नहीं है अगले कैंडल का वेट करो ये रूल है रूल है भैया लिख लो मैंने क्या बोला तगड़ा ब्रेकआउट है तो अगले कैंडल में एंट्री ले लो अगर तगड़ा ब्रेकआउट नहीं है अगले कैंडल का वेट करो सर ये यह तगड़ाउट तगड़ा मेरे को नहीं दिखा क्योंकि आधा ऊपर आधा नीचे है मैं अगले का वेट कर रहा हूं अगला ग्रीन बन गया मैं कंफ्यूज हो गया मैंने एंट्री नहीं ली है अभी तक सर यहां पर देखो सेकंड में मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिल रहा लेकिन थर्ड में मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है ब्रेकआउट का मैं उसके अगले कैंडल में ले लूंगा एंट्री ले लूंगा इस कैंडल में खत्म होते हैं तो मैं निकल जाऊंगा सर अगला कैंडल तक वेट नहीं करना देखो अगला कैंडल में खेल हो गया है अगला कंटल तक वेट करोगे तो खेल हो जाएगा वेट नहीं करना रूल है सर एक ही कैंडल में घुसना है एक ही कैंडल में निकलना है अपने को सर निकल गया प्रॉफिट हुआ कि नहीं प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ सर लाइव दिखा रहा हूं आपको अच्छा अगला अब मेरी तलाश है सर ऊपर जा रहा है आओ इधर आओ सर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया सर चीड़ करके ऊपर चला गया अगेन मैं क्या देख रहा हूँ ब्रेकआउट हुआ लेकिन ये सही ब्रेकआउट है या फर्जी है मेरे को अगला कैंडल बताएगा सर अगला कैंडल भी ऊपर की तरफ बन रहा है क्या कन्फर्मेशन है कि सही ब्रेकआउट हुआ है तो सही ब्रेकआउट हुआ है वहाँ मैं कॉल ले लूँगा सर कॉल लूँगा तीसरे वाले कैंडल में और तीसरे वाले कैंडल में ही मैं एग्जिट मार दूंगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं प्रॉफिट हुआ कि नहीं सारे के सारे फिट बैठ रहे हैं सर सारे के सारे फिट बैठ रहे हैं लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर दे दूँ हमेशा काम नहीं करेगा बट दस में से सात बार छः बार भी काम कर रहा है तो बढ़िया रेशियो है ये ठीक है आओ आगे उसके बाद दिन खत्म हो गया सर यहां पर आने के बाद तो दिन खत्म हो गया तो इसको मारो बोली हम चलते हैं अगले दिन पर सर कितना मैंने बता दिया दो दिन बता दिया ना अब लाइव मार्केट में चलें लेकिन लाइव मार्केट में आने से पहले शून्य की थोड़ी और विशेषता आपको बता देता हूं सर ये जो शून्य है ना पहली बात तो ये किसी तरह का कमीशन नहीं लग रहा हूं दिखा देता हूं इसका वेबसाइट पर ऑफिशियल ओम <laughs> पर आ जाते हैं पहले सर होम पर आते ही देखो सबसे बड़े में क्या लिखा हुआ है कमीशन फ्री किसी तरह का कोई कमीशन नहीं है सर चाहे किसी भी प्रोडक्ट में जाओ स्टॉक डिलीवरी में करो एफ में करो ईटीएफ में करो बॉन्ड्स में करो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लो कुछ भी किसी तरह का कोई कमीशन नहीं है आप जीरो ब्रोकरेज फी जैसा मैंने बताया कई सारे ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो जीरो ब्रोकरेज देते हैं लेकिन साथ में सब्सक्रिप्शन इंक्लूड होता है यहाँ पे किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फी भी नहीं है सब कुछ फ्री शून्य का मतलब शून्य जीरो ब्रोकरेज जीरो अकाउंट सेटअप जीरो कॉल एंड ट्रेड फी जीरो क्लियरिंग फी कुछ नहीं कहीं नहीं लगने वाला है सर सीधा आ जाता हूं जरा प्राइसिंग में मैं चेक प्राइसिंग प्राइसिंग सर प्राइसिंग में देखो ऐसा क्यों है जीरो ब्रोकरेज जब ये ले रहे हैं तो इनका फायदा क्या हुआ पैसा कहां से कमा रहे हैं ये कह रहे हैं भैया रेवेन्यू मेन मोटो तो होता है लेकिन हमारा मोटो है सर बिल्ड करना तो इको बिल्ड करना है लंबा विजन है इसलिए ब्रोकेज वोकेज नहीं ले रही है और आगे बताता हूँ सर कंपनी अब आउट थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी समझ में आनी चाहिए ना कि कैसा है सर सुन रन बाय एक्स वॉल एस टी प्रोफेशनल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शून्य जो है 2009 में फाउंड हुआ था और एक्स वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल वॉल स्ट्रीट समझ यू एस वाला उसका जो प्रोफेशनल है उन्होंने फ़ाउंड करा था तो क्रेडिबिलिटी अच्छी खासी समझ में आ जाती है और एन के थ्रू भी लाइसेंसड है से बी एन हर जगह ये लाइसेंस है तो क्रेडिबिलिटी समझ में आती है ठीक है तो इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ आपको ये बताता हूँ आप टूल्स में जाओ यहाँ पे एक कैलकुलेटर देते हैं सर जेनविनली ब्रोकरेज फ्री दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है और हमारे को चेक करना है से, से, कितनी कर कि क्वांटिटी में आपने लिया उसके हिसाब से ये बता देगा कि सर किस किस चीज पर कितना ब्रोकरेज लगत, लगता है जैसे सरकारी टैक्स वैक्स तो लगेगा ना जो कि बहुत नॉमिनल होता है सिर्फ वही ले रहे हैं बाकी सारे ब्रोकरेज वाले कॉलम भी आपको जीरो दिखाएंगे बल्कि दूसरी जगह पर वो होता है ठीक है तो ये कैलकुलेटर है जो आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो ठीक है जी तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज का जरा लाइव मार्केट में हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं वहां देखते हैं हमारा फॉर्मूला हमारी स्ट्रेटेजी फिट बैटरी की नहीं बैटरी है चलो आज के दिन पर आ जाते हैं आओ आगे भैया अरे कहां चले गए अच्छा सबसे बड़ी बात ये पांच मिनट के कैंडल्स पे रूलर पैड है सर एक मिनट के कैंडल्स पे या उससे ज्यादा या कम के कैंडल कैंडल पे ये स्ट्रेटजी अप्लाइड नहीं है पांच मिनट के और वैसे भी मैं मानता हूं अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो पांच मिनट के कैंडलस्टिक ही सही है मेरे हिसाब से बाकी सबके अपने-अपने गणित होते हैं सबकी अपने-अपने स्ट्रेटजी होती है मेरे हिसाब से सिर्फ 5 मिनट हां ये आ गए हम 25 पर भैया यहां से हमारा 25 तारीख शुरू हो रहा है अब देखते हैं क्या वही ब्रेकआउट वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम कर रही है लाइव मार्केट में आओ लाइव मार्केट में देखते हैं तो सबसे पहले दिन की शुरुआत है सर यहाँ से ये यह हमारे को क्लियर समझ में आ रहा है हम इसको यहाँ से ले लेते हैं ठीक है यहाँ से हमने ले लिया सर सबसे पहले जब दिन शुरू हुआ है तो नीचे की तरफ गया है मार्केट नेगेटिव में मार्केट ओपन हुआ है तो मेरे को एक रेजिस्टेंस ढूंढना है सॉरी सपोर्ट ढूंढना है नीचे वाला तो मैं देख रहा हूँ यहाँ तक गया है तो मेरे को एक रेजिस्टेंस तो, एक सपोर्ट तो वैसे यही मिल जाता है लेकिन पहले कैंडल को ना सपोर्ट मानो ना रेजिस्टेंस मानो ये भी एक रूल है सर इसको भी चाहे लिख लो बीच बीच में जितने भी ते मैंने बोल दिया ना ये रूल है ये रूल है लिख लो आप नहीं बोलोगे मेरे को तो कर प्रैक्टिस करते करते हो गया इतना याद तो पहले वाले कैंडल को ना सपोर्ट मानो ना रेजिस्टेंस मानो सर अगला मैं देख रहा हूँ मार्केट ऊपर की तरफ गया है और ऊपर की तरफ गया है तो एक मेरे को ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा सर रेजिस्टेंस आओ एक पॉइंट बना लो रेसिस्टेंस ग्रीन बना दिया मैंने उसको रेड ग्रीन ब्लू में कंफ्यूज मत होना आपकी मर्जी आपकी श्रद्धा जो कलर आपको बहुत बढ़िया लगता है अरे यार बैंगनी होना चाहिए बहुत बढ़िया लग रहा है तो बैंगनी कर लो पर्पल -पर, पर, तो आपकी मर्जी ठीक अच्छा ट्रेड नहीं लिया यहाँ पर मैंने सिर्फ बनाया है नीचे गया ये अच्छा फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सर ये पॉइंट मेरा क्या मिल गया मेरे को यहाँ से लौटने की कगार पे था यहाँ आया ये आया ये आया ये आया ये आया इन तीन कैंडल तक फुल कैंड फुल में कर लेता हूं सर ये देखो लाइव मार्केट में चल रहा है ना मेरा ये सपोर्ट वाला पॉइंट मेरे को कब समझ में आएगा सर इस कैंडल पर मेरे को नहीं समझ आएगा ये सपोर्ट वाला पॉइंट है इस कैंडल पर भी नहीं समझ में आएगा इस वाले पर भी नहीं समझ आएगा इस वाले पर भी नहीं समझ आएगा यहां ये ग्रीन तक मेरे को नहीं समझ में आया कि ये सपोर्ट पॉइंट है लेकिन अगला जैसे ही ऊपर का बना मेरे को समझ में आया अच्छा ये सपोर्ट है क्योंकि यहां से लौटा है ऊपर मार्केट क्योंकि पहला है ना दिन का पहला ये पॉइंट मेरे को सपोर्ट ढूंढना था इसके पहले वाला कोई और सपोर्ट बन चुका है फिर तो आप ये देखोगे यहां से भैया रिट्रेस होगा यहां से तो वापस जाएगा लेकिन पहला अभी मेरे को सपोर्ट मिला नहीं है दिन में तो मैंने यहां पर इस जगह पर देखो तकरीबन साढ़े दस पौने ग्यारह बजे के आसपास मेरे को ये पहला सपोर्ट मिला यानी कि सवा नौ बजे खुलने के बाद जब मैं मार्केट में बैठा हूं एक डेढ़ घंटा बैठा तब जाके मेरे को पहला सपोर्ट पॉइंट मिला <coughs> पहला रेसिस्टेंस कहा गया पच्चीस तारीख का है ये न, हाँ, ये ना रहा पच्चीस तारीख मैं खुद ही भूल जाता हूँ कई बार सर मेरे को कई बार ना मैं सपोर्ट को रेसिस्टेंस बोल दूंगा रेसिस्टेंस को सपोर्ट बोल दूंगा जल्दबाजी में तो आप घबराना मत ये याद रखना सर उपराउ का पॉइंट रेसिस्टेंस निच... क्योंकि मैं जब ट्रेड खुद भी करता हूँ ना तो मैं सपोर्ट रेसिटेंस बोल के याद नहीं रखता मैं उपराउ का और का याद रखा देसी आदमी है ना भैया तो देसी भाषा में याद रखते हैं अपना सो आप ऐसे ही समझना कहीं गलती हो जाए तो माफी करना माफी देना भैया तो ऊपर वाला पॉइंट तो मेरे को मिल चुका है नीचे वाला पॉइंट मैंने अभी अभी ढूंढा पौने ग्यारह बजे मैंने ढूंढा ऊपर गया यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया है सर ऊपर गया मैं वेट करूंगा या यह तो यहाँ टकरा है या यहाँ टकरा है सर ऊपर घूमा और नीचे टकरा है अब मेरा क्या है सर नीचे टकरा है तो मैं देखूंगा जब या, या तो यहाँ से वापस लौट जाए रिवर्स हो जाए या फिर ब्रेकआउट मारे सर यहाँ तक तो आया अब मैं वेट कर रहा हूँ ये तो वापस जाए या फिर नीचे लौटे लेकिन अगला कैंडल डोजी हो गया डोजी मतलब बराबरी की लड़ाई दोनों बराबर हैं कन्फ्यूज़ कर दिया मेरे को एंट्री नहीं मिला सर अगला कैंडल मैं देख रहा हूँ ग्रीन ठीक है रेड ठीक है ये, ये 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 यहां तक मेरे को कोई सिग्नल नहीं है सर एंट्री लेने का यहां से जब ऊपर लौटा तो मैं आप क्या समझा कि हाँ अब रिवर्स हो रहा है ऊपर जा रहा है सर मेरे को यहां समझ में आया ऊपर जा रहा है लेकिन अगला कैंडल <coughs> अच्छा जैसे ही ऊपर गया सर अगला कैंडल क्या बन रहा है अगला कैंडल ग्रीन का बन रहा है यहां का अगर मैंने इसको देख करके एंट्री ली होती तो मैं प्रॉफिटेबल होता लेकिन अगला फिर से कंफ्यूजन है सर रेड लेकिन अल्टीमेटली ये वापस गया है सर ऊपर तो मेरी श्योर शॉर्ट जो एंट्री होगी सर इस कैंडल के बाद होगी इधर तो मैं लूंगा ही नहीं नीचे पॉइंट पर है, है। मैं नहीं ले रहा इधर अपने रूल के मेस्टिक हूं जब इसको मैंने पूरा बनते हुए जब इसको पूरा बनते हुए देखोगे ना आपको अफसोस आएगा अरे यार काश यहां ले लिया होता बहुत पैसा बन जाता वो सब नहीं वो कई बार ये फीलिंग आएगी यही फीलिंग तो आदमी को मारता है अरे पिछली बार ऐसा हुआ था इस बार फिर होगा मेरे को लग रहा है ले लो इसी में खेल हो जाता है

फिर तो लालच आएगा अरे इतना तो बड़ा बना है इतना बड़ा ग्रीन बना है तीसरा भी ग्रीन ही बनेगा ऐसे कैसे श्योर हो सर आप श्योर नहीं होना रुकना नहीं है वेट नहीं करना निकलो सेकंड कैंडल में घुसा और सेकंड में निकल गया प्रॉफिट बना के अभी तक तो कोई भी फेल नहीं हुआ सर तीन चार दिन आपको दिखा दिया कोई भी फेल नहीं हुआ तीसरा दिन है ना ये <coughs> देखो ऊपर गया यहां पे सॉलिड ब्रेकआउट हुआ सर ऊपर गया तो मैं वेट कर रहा था या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा सॉलिड ब्रेकआउट हुआ है तगड़ा गड़ा सर इतना बड़ा जब ब्रेकआउट हुआ है इतना बड़ा जब ब्रेकआउट हुआ है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ब्रेकआउट के रूल में इतना बड़ा जब ब्रेकआउट हुआ है तो आप अगले कैंडल में एंट्री ले सकते हो सर अगले कैंडल बना है जो डोजी का भले ही रेड में बना है लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर है ऊपर है अगर इसी कैंडल में मैं एग्जिट मारता एज पर आर रूल तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूं तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूं हालांकि इतना बड़ा कैंडल देख के मन करेगा कि रुक जाए लेकिन चूंकि डोजी बना है सर डोजी का मतलब दोनों की फाइट बराबर की है रुकना नहीं है मेरे को मैं निकल गया हालांकि रुकते तो प्रॉफिटेबल था लेकिन रुकना नहीं है रूल नहीं तोड़ना ना अपना रूल ब्रेक नहीं करना ऊपर जाते जाते जाते, जाते। यहाँ पे अफसोस आएगा आपको अरे यार कास रुक जाते कास रुक जाते ये सब फालतू के काम करोगे फिर लॉस करोगे ये सब अफसोस अफसोस नहीं करने का रूल के जो अंदर है वो काम करेंगे रूल के जो बाहर है नहीं करेंगे ठीक है ऊपर क्या 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 नीचे आया सर यहाँ पे फिर देखो एक ब्रेकआउट हुआ है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है है ना अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर अगले में मैं एंट्री नहीं लूंगा क्यों क्योंकि मैं थोड़ा देख रहा हूं ऊपर है थोड़ा देख रहा हूं नीचे सर ब्रेकआउट किसको कहेंगे जब पूरा पार्ट नीचे है पूरी उसकी बॉडी नीचे है या फिर अगर ऊपर का ब्रेकआउट है तो पूरा बॉडी ऊपर है उसको मैं स्ट्रॉंग कहूंगा उसको मैं स्ट्रॉंग कहूंगा आधे आधे को मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा सर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है मैं अगले कैंडल का वेट करूंगा अगले कैंडल का वेट करता हूं तो मैं एंट्री ले पाता हूं क्या नहीं मैं कंफ्यूज हो जाता हूं क्योंकि ग्रीन बन गया नीचे वो तो मेरे को पुट में लेना है ना पुट में नहीं ले पाऊंगा ग्रीन बन गया तीसरा बना तो मेरे को कंफर्मेशन है क्या नहीं सर कंफर्मेशन नहीं है ये देखो किस तरह का कैंडल है एकदम बीच में बॉडी है एकदम बीच में बॉडी है बीच में तभी मैंने बोला कैंडल की समझ होनी चाहिए थोड़ी सर बीच में बॉडी है बीच में बॉडी होने का मतलब कंफ्यूजिंग है ये नहीं लिया मैंने एंट्री सर अगला देख लाऊ ग्रीन सर उसके बाद देखो ब्रेकआउट हो गया है ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है क्या वेरी स्ट्रॉग ब्रेकआउट है क्या सर वेरी स्ट्रांग नहीं है अच्छा ब्रेकआउट है लेकिन वेरी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी नीचे अभी अभी तो मैंने बोला तो ये मेरे को पूरा वो वाला कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है मेरे को अगले में एंट्री ले लेना है सर अगले मैंने एंट्री नहीं लिया हालांकि अगला ग्रीन बना है लेकिन रूल इज रॉल रूल इज रूल रूल नहीं तोड़ना अगला मेरे को ग्रीन बना है तो मतलब यहाँ के मेरे को क्या यहाँ पे मेरे को क्या बता रहा है अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा सर तीसरे कैंडल में मैंने एंट्री ले लिया कॉल की साइड और मैं देखो लॉस में प्रॉफिट में हूँ तीसरा कैंडल रेड बनाया सर यहाँ मैं लॉस में हूँ यहाँ मैं लॉस में मेरा स्ट्रैटेजी यहाँ फेल हुआ सर फेल हुआ देखो बता भी रहा हूँ इतना ऑनेस्ट टीचर कोई मिलेगा आपको सर फेल हो रहा हूँ मेरी स्ट्रेटी फेल हुई मैंने क्या बोला दस में से छह बार सात बार काम करेगा हंड्रेड परसेंट टाइम काम नहीं करेगा सर यहाँ काम नहीं कर रहा हालांकि ऊपर गया है लेकिन मेरा रूल क्या है अगले घंटे में मेरे को बाहर होना है यहां पर मैं लॉस कर गया सर मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर फेल हो गई अब अगला देखते हैं सर अगला जब हम देखते हैं तो अभी तो खैर मार्केट चल ही रहा है मिला के मोटा मोटी समझ में आ रहा है सर सर अब यही वाला 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 जो हमने बात कर, हमने बात बात करा करा दो दो और वाला। सर वाला रूल उस दिन आप नीचे, 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 नीचे परफेक्ट काम करता हुआ दिखेगा बार बार ब्रेकआउट हो रहा है तोड़ रहा है मजा आया क्या एकदम परफेक्ट प्रैक्टिकल चीज बताई ना इसको अप्लाई करके देखो और मुझे भी रिजल्ट बताओ क्योंकि अपना देखो रिजल्ट तो मापा हुआ है अपना देखा हुआ है दस में से छः बार सात बार ये काम करता है हंड्रेड परसेंट तो कभी किसी की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती लेकिन दस में से छः बार काम अगर काम कर रहा है तो बढ़िया स्ट्रैटेजी है और इसके लिए ज़्यादा नॉलेज भी जरूरत नहीं है बेसिक आपको कैंडल्स की थोड़ी समझ में होनी चाहिए जैसे बीच में एक जगह मैंने बोल दिया था डोजी है एंट्री नहीं लेने का मतलब क्योंकि बराबरी चल रही है कैंडल्स की समझ जरूरी है सर क्योंकि हर कैंडल कुछ ना कुछ कहानी में कर रहा है जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया तो मैं बस घुस ही जाऊँ अगला कैंडल देखो कैसा बन रहा है अगला कैंडल अगर तावड़ तोड़ लड़ाई वाला है तो नहीं लूंगा मैं वहां एंट्री रूल के साथ कुछ ना कुछ आपने बचपन में पढ़े होंगे ना मैथ्स में जो रूल बनाए जाते हैं कई बार हर रूल के साथ या मैक्सिमम रूल के साथ या कुछ रूल्स के साथ एक्सेप्शन जोड़ दिए जाते हैं ये रूल काम तो करेगा लेकिन अगर ऐसा वाला हो गया ना तो ये रूल काम नहीं करेगा तो ऐसे ही कैंडल्स की समझ होनी चाहिए अगर आपको कैंडल्स की सही समझ है तो ये रूल हर जगह काम नहीं करेगा मैं जो कह रहा हूँ ना दस में से सात बार छः बार काम करेगा तीन बार नहीं काम करेगा सर अगर कैंडल्स की समझ है तो हो सकता है तीन बार में से भी एक दो बार आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लो ठीक है कुछ क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आज का सेशन मजा आएगा बिल्कुल बेसिक मत समझाएगा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में और शून्य जैसे मैंने बताया यहाँ किसी तरह का को कोई कमीशन नहीं लगता किसी तरह का को कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे रखा है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो शून्य और काम कर सकते हो